छोटी बड़ी दिवाली 2020 जाने शुभ मुहूर्त पूजा विधि और मंत्र सामग्री की पूरी डिटेल। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस तीर के निशान से हमारे वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप और फेसबुक सभी जगह। और हमारी लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं। दिवाली 2020 घर में कैसे करें माँ लक्ष्मी और श्री गणेश जी की पूजा, यहाँ है पूरी पूजा की विधि, शुभ मुहूर्त और पूजा सामग्री की लिस्ट। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DK2 न्यूज में। दिवाली का त्योहार जीवन में सुख समृद्धि लेकर आता है। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दिवाली का त्योहार मनाते हैं। इस वर्ष 14 नवंबर यानी आज दिवाली मनेगी और घरों में लक्ष्मी पूजन होगा। माना जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी अपने भक्तों के घर में पधारती है, इसलिए इस दिन माँ लक्ष्मी और बुद्धि के देवता गणपति और एवं ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा विधि विधान के साथ की जाती है। दिवाली की रात स्वार्थ सिद्धि की रात मानी जाती है। इस दिन की गई पूजा और अनुष्ठान बहुत शुभता प्रदान करता है। दिवाली के दिन शुभ मुहूर्त और विधिवत रूप से करनी चाहिए। खास बात यह है कि दिवाली पर लक्ष्मी पूजन सभी को करना है, लेकिन कोरोना काल की वजह से यदि आपके घर में पूजा अनुष्ठान के लिए पंडित जी नहीं आ रहे तो आप यहां जान सकते हैं कि आप कैसे पूजा सामग्री घर पर एकत्र कर माँ लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि दिवाली की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त और पूजा सामग्री की लिस्ट। दिवाली पूजा के शुभ मुहूर्त, प्रदोष काल पूजा मुहूर्त शाम को 5:30 से लेकर शाम के 7:07 तक है। निश्चित काल पूजा मुहूर्त रात्रि 8 से रात 10:50 तक होगा। अमृत मुहूर्त 10:30 पर, इसमें कनक धारा स्त्रोत के पाठ, सूत का पाठ आदि कर सकते हैं। निशीय मुहूर्त 8 अर्धरात्रि के पश्चात 1:33 तक रहेगा। निशित काल मुहूर्त में ज्यादातर तंत्र साधना की जाती है। दिवाली पूजन सामग्री, माँ लक्ष्मी की कमल पर बैठी और मुस्कुराती हुई प्रतिमा, गणेश जी की तस्वीर या प्रतिमा जिसमें उसकी सूंड बाई ओर होनी चाहिए और साथ में सरस्वती जी की प्रतिमा, कमल और गुलाब के फूल क्योंकि यहाँ कमल और गुलाब के फूल क्योंकि यह फूल माँ लक्ष्मी को प्रिय है। पान के डंडी वाले पत्ते जो कहीं से कटपटे न हो, रोली सिंदूर और केसर अक्षत यानी साबुत चावल जो बिल्कुल भी खट्टे न हो, पूजा की सुपारी फल फूल मिष्ठान दूध दही शहद इत्र और गंगा जल, कच्चे सूत वाला कलवा, धान का लावा तासे लक्ष्मी जी के समक्ष जलाने के लिए पीतल का दीपक और मिट्टी के दिए, तेल और शुद्ध घी, रुई की बत्तियां, तांबे और पीतल का कलश, एक पानी वाला नारियल, चांदी के लक्ष्मी गणेश स्वरूप के सिक्के, साफ आटा, लाल या पीले रंग का कपड़ा आसन के लिए, मंदिर लगाने के लिए चौकी और पूजा के लिए थाली। पूजा विधि, सबसे पहले आपको चौकी साफ कर ले, उसके बाद उस पर लाल कपड़ा बिछाए, लक्ष्मी गणेश और सरस्वती जी को स्थापित करें। पूजा के लोटे में जल भरकर उसमें गंगा जल मिलाए, जल को प्रतिमा पर छिड़क कर साथ ही पूरे घर में भी जल के छींटे मारे। हाथ में जल लेकर पूजा का संकल्प करें। संकल्प करने के पश्चात दाएं हाथ में अक्षत फूल जल और 1 रुपये का सिक्का लेकर संकल्प करें कि मैं व्यक्ति स्थान और समय पर माँ लक्ष्मी गणेश और सरस्वती की पूजा करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ जिससे मुझे शास्त्रोक्त फल प्राप्त हो। उसके बाद पूजा आरंभ कर दे। लक्ष्मी जी के निकट ही चावल की ढेरी पर कलश से जल भरकर स्थापित करें। कलश पर घी और सिंदूर मिलाकर स्वास्तिक का चिन्ह बनाए। कलश के मुख पर कालवा बांध दे और आम के पत्ते लगाकर उसके ऊपर नारियल रख दे। थाली में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करे। तेल का एक बड़ा सा दीपक जलाकर अपने कुल देवी देवताओं के लिए रखे। सभी देवों का तिलक कर प्रणाम करे। पंच मेवा फल मिष्ठान खीर और बतासे आदि चीजें अर्पित करे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह। और हमारी लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं।